हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 4.2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें पूछा गया है कि गुणनखंड विधि से नेमन द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने इसके क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, या फिर हिंदी में बोलें तो मूल फाइंड करने हैं इसके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले हमें पता ही है जो इक्वेशन होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c की टर्म की होती है। तो हमने इसमें a और c का मल्टीपल लेना होता है। तो a है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू है 10, तो दोनों का मल्टीपल जो है 10। तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे, 2 5 10, 5 1 5। तो हमने इसमें जो है इक्वेशन का यूज़ करके हमने यहाँ पे 3x बनाना है, प्लस माइनस करके जो भी करेंगे यहाँ पे। तो पहले इक्वेशन जो थी जैसे एक्स स्केल लिखा है उसको वैसे सेम लिख दिया जाएगा, माइनस 10 जैसे वैसे लिख दिया जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि इन्हीं दोनों का यूज़ करके हमने इस नंबर को बनाना है यहाँ पे। तो हम अगर 5 में से 2 निकालते हैं तो 3 आता है हमारे पास, यहाँ से ये बन सकता है। लेकिन हमें नंबर चाहिए माइनस में, तो बड़ा नंबर जो है वो माइनस में लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 5x। अभी अगर ये माइनस का है तो दूसरा प्लस में लिखना पड़ेगा, तभी हमारा माइनस होके ये वाला नंबर बनेगा। माइनस प्लस माइनस करेंगे, 5x में से 2x माइनस करके 3x आ जाएगा, बड़ी टर्म माइनस की रहेगी। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अभी हम इन दोनों में से कॉमन जो है वो ले लेंगे, यहाँ पे एक्स कॉमन है दोनों में, इस वाले पार्ट में एक्स बच गया और अगले वाले पार्ट में 5 बच गया। ठीक है, अब सेम इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ पे लिख दो। अब इसी का यूज़ करके हमने ये बनाना है। तो एक्स हमारे पास है, हमें चाहिए 2, तो 2 यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 5 10 आ जाएगा, इक्वल टू था 0 के। नेक्स्ट, अभी हमारे पास दो फैक्टर बन चुके हैं, एक आ गया एक्स प्लस 2 का और दूसरा सेम जो था एक्स माइनस 5 का, और दोनों ही जो थे वो इक्वल टू 0 है। अभी हम दोनों को सेपरेटली सोल्व कर लेंगे, एक्स प्लस 2 जो है वो भी 0 के बराबर है और एक्स माइनस 5 जो है वो भी 0 के बराबर है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस 2 बन जाएगी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस का 5 बन जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x इक्वल टू माइनस 2.5, और ये हमारे इस इक्वेशन के मूल हैं जहाँ रूट्स है। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे जो है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें इसका और इसका मल्टीपल जो आ गया वो 6 2 12 आ गया, 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 2 3 3 1। ठीक है, तो हम अभी इन्हीं नंबर को यूज़ करके हमें 1 चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसका कोफिशेंट जो है वो 1 है। तो हम यहाँ पे 1 ऐसे ले सकते हैं, 2 2 4 4 माइनस 3 करके 1 आ सकता है हमारे पास। तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, पहले वाला नंबर सेम, लास्ट का सेम, और इसको तोड़ के लिख सकते हैं, हमें नंबर चाहिए पॉजिटिव, तो बड़ा वाला जो है 4 जो बन रहा है वो प्लस में लिखा जाएगा, तो 4x माइनस का 3x। अब इन दोनों में जो कॉमन था, 2 कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, तो यहाँ पे ये कॉमन ले लिया गया, इसमें एक्स बच गया प्लस इसमें 2 बच गया। ठीक है, और सेम इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया जाएगा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 में, और इसको देख के हमने ये वाला नंबर बनाना है। तो एक्स है हमारे पास 3 चाहिए, 3 ले लिया, यहाँ पे माइनस लिखिए तो माइनस लिख दिया। अब माइनस प्लस माइनस 3 2 6, ये नंबर भी आ गया हमारे पास। अब दो फैक्टर बन चुके हैं हमारे पास, एक है 2x माइनस 3 और दूसरा है एक्स प्लस 2, वो दोनों ही इक्वल टू 0 हैं। अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x जो है वो 3 के बराबर आ जाएगा और x यहाँ से 3/2 के बराबर आ जाएगा, और दूसरी साइड से x प्लस 2 इक्वल टू 0 था, यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे, प्लस 2 था, दूसरी साइड जाएगा माइनस 2 बन जाएगा। तो एक x की वैल्यू ये बन चुकी है और एक x की ये वैल्यू बन चुकी है। तो x के रूट जो थे वो आ चुके हैं, एक आगे पॉजिटिव का 3/2 और दूसरा आगे नेगेटिव -2। तो ये आगे इस इक्वेशन के रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।